औरतों का तो बच्चे पैदा करना बहुत आम बात है। ये कहानी है एक आदमी की जो प्रेग्नेंट हो गया। सर्जे एक न्यूज रिपोर्टर है जो अपनी पत्नी डायना के साथ रशिया में रहता है। वो और उसकी पत्नी पिछले 2 साल से बच्चा कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मूवी की शुरुआत में सर्जे एक थेरेपिस्ट को अपनी इसी परेशानी के बारे में बताता है। थेरेपिस्ट उससे उनकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछती है। इस पर सर्जे गर्व से कहता है कि हाँ हाँ, हम तो रोज रात को करते हैं। लेकिन उसकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। उन्होंने जगह भी बदल बदल कर देखी कि क्या पता कृपा वहीं रुकी हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थेरेपिस्ट ने उसे बताया कि उसके ख्याल बहुत ही जल्द हकीकत में बदलने वाले हैं, इसलिए उसे अब सावधान रहना होगा। सर्गे उसके कहने का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन उसने कोई सवाल भी नहीं किया। काम पर जाते वक्त उसने अपने एक दोस्त को कॉल की जो कि पेशे से एक वकील है। उसका नाम है जोरा। जोरा लगातार अपने पिछले 8 केस हार चुका है और अब पैसों की तंगी से जूझ रहा है। उसकी 2 बेटियां हैं और अब वो और उसकी पत्नी एक बेटे के लिए कोशिश कर रहे हैं। उससे बात करने के बाद सर्गे अपने सेट पर पहुंच गया और अपनी साथी होस्ट के साथ शो शुरू किया। वहीं दूसरी ओर डायन एक आर्ट एग्जीबिशन में थी जहां उसकी खींची हुई तस्वीरें दिखाई जा रही थी। सर्गे हर बार की तरह लेट था। जब उसे फोन किया तो कहने लगा कि वो गाड़ी में बैठ चुका है और बस 5 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस ने उसकी गाड़ी टो कर ली क्योंकि वो नो पार्किंग में खड़ी थी। वो जानता था कि उसकी पत्नी उसके झूठ को पकड़ ही लेगी, इसलिए आर्ट एग्जीबिशन छोड़कर जोरा के साथ एक बार में चला गया। बातों बातों में जोरा ने बताया कि उसकी पत्नी 1 महीने की प्रेग्नेंट है। इस बार वो श्योर है कि लड़का ही होगा, क्योंकि जोरा ने संभोग के समय ऊन के जूते पहने थे। उसके परिवार का ये अजीब अंधविश्वास था कि जब जब कोई आदमी ऊन के जूते पहनकर संबंध बनाता है तो औरत एक लड़के को ही जन्म देती है। जोरा, उसका बाप और उसका दादा भी इसी तरीके से पैदा हुए थे। अगले दिन वैलेंटाइंस डे था। सर्गे और डायना उसी जगह पहुंचे जहां वो 5 साल पहले मिले थे। उन्होंने वादा किया कि वो किसी दिन अपने बच्चों के साथ इस जगह लौट कर जरूर आएंगे। घर लौटने से पहले सर्गे ऊन के जूते खरीदने चला गया। रात में सब हो जाने के बाद उसने ऊन के जूते उतार दिए और उन्हें गले से लगा लिया। उसे उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें एक बच्चा होगा। क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो उठकर खिड़की के पास आ गया और बच्चे के लिए दुआ मांगी। कुछ ही सेकंडों बाद उसे एक टूटता तारा दिखा। इस घटना के 10 दिन बाद सर्गे अपने स्टूडियो में सोन्या नाम की एक मुर्गी के बारे में एक प्रोग्राम चला रहा था। सोन्या एक गजब की मुर्गी है जो फुटबॉल के मुकाबलों के विजेता की भविष्यवाणी अंडे देकर करती थी। माना जाता है कि जितने अंडे वो देगी उतने ही गोल्स जीतने वाली टीम करेगी। ये खबर सुनाते वक्त सर्गे को अचानक उल्टी हो गई। उसने बाकी सबसे माफी मांगी और वापस काम पर लग गया। उसे अब तक अपनी इस हालत की वजह का कोई अंदाजा नहीं था। बाद में जब वो मार्केट से कुछ सामान खरीद रहा था तो उसकी नजर एक शेल्फ पर गई जहां तरह तरह के आचार रखे थे। उसे खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आज उसका मन कुछ यूं था कि वो आचार की पूरी बोतल ही खत्म कर दे। जब उसने जोरा को ये बात बताई तो वो उसका मजाक उड़ाने लगा कि भैया प्रेग्नेंट तो नहीं है। लेकिन सर्गे को वो टूटते तारे वाली घटना याद आई और उसने सोचा कि हो भी सकता है। रात को उसने अलमारी से डायना की प्रेगनेंसी किट निकाली और अपनी थ्योरी को टेस्ट करने का फैसला लिया। पहले उसने 2 लाइंस किट पर देखी और समझा कि इसका मतलब ये है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन किट के पीछे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद उसे पता चला कि 2 लाइंस का मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। वो 2-3 बार टेस्ट लेकर देखता है, लेकिन हर बार 2 लाइंस आ रही थी। ये ख्याल उसे इतना अजीब लगा कि थोड़ी देर बाद वो खुद ही किट को देखकर हंसने लगा। अगली सुबह जब उसने नाश्ते के साथ आचार लिया तो डायना ने उसका अजीब व्यवहार देखकर उससे पूछा कि माजरा क्या है। जब सर्गे ने उसे बताया कि वो बाप बनने वाला है तो डायना को लगा कि सर्गे ने उसे धोखा दिया है और कोई और औरत उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन जब उसे पता चला कि असल में प्रेग्नेंट खुद उसका पति है तो वो और भी गुस्सा हो गई। उसे लगा कि या तो वो मजाक कर रहा है या फिर पूरा पागल हो चुका है। सर्गे चाहता है कि डायन उसके बाप बनने की बात से खुश हो, लेकिन इस बात को पचाने के लिए उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा। शाम को सर्गे के माँ बाप और जोरा का परिवार डिनर के लिए उसके घर आए। सर्गे ने मौका देखकर सबको अपने प्रेग्नेंट होने की बात बता दी। ये सुनकर सबके सब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने शांति से उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। इसमें सर्गे बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चला गया। उसका बाप उसकी माँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि जो उसने प्रेगनेंसी के समय योगा किया था ना, उसी की वजह से सर्गे के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है और अब हमारा बेटा अंदर से औरत बन गया, अब कर ले योगा। अगले दिन सुबह सुबह सर्गे ने प्रेगनेंसी पर एक किताब उठाई और उसमें अपने लक्षण ढूंढने लगा। वो सारी बातों को परे रखकर बच्चे के आने की तैयारी में जुट गया। उसने हिसाब लगाकर देखा कि उसका बच्चा अक्टूबर में पैदा हो जाना चाहिए। उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया और दबाकर आचार खाने लगा। वक्त के साथ डायना भी अपने पति की प्रेगनेंसी को अपना लेती है और उसका ख्याल रखना शुरू कर देती है।
प्रेग्नेंट होने के 4 महीने बाद सर्गे का पेट बढ़ने लगा। वो रोज प्रेगनेंसी क्लासेस में जाता था, लेकिन दिखाता ये था कि अपनी पत्नी का साथ देने आया है। वहाँ बाकी सब भी उससे कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें लगा कि वो बस माँ बनने का सही अनुभव करना चाहता है। उसके परिवार को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता था, लेकिन बाहरी दुनिया से उसने इस बात को राज रखना ही सही समझा। 5वें महीने में वो पहली बार अपनी पत्नी के साथ गायनोकोलॉजिस्ट के पास गया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि प्रेग्नेंट तो डायना का पति है, उसने उसका चेकअप करने से साफ मना कर दिया। इसी तरह वो कई डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन किसी ने भी उसे एक मरीज के तौर पर नहीं लिया। फिर एक दिन उनकी मुलाकात डॉक्टर तीखोनोव से हुई, जो 2 महीने से अपना क्लिनिक खोलकर बैठा था, लेकिन अभी तक एक भी मरीज उसके पास नहीं आया था। अब बिना मरीज के क्लिनिक कैसे चले, तो उसने सर्गे का केस लेने के लिए हामी भर दी। डॉक्टर ने उसे डिलीवरी बेड पर लेटने को कहा, लेकिन बेचारे सर्गे को समझ ही नहीं आ रहा था कि लेटे तो लेटे कैसे। अगले दिन काम पर उसे पता चला कि जोरा ने उसकी प्रेगनेंसी की कहानी पैसों के लालच में एक चैनल को बेच दी थी, और अब वो हर जगह दिखाई जा रही है। जैसे ही ये बात फैली, हर कोई प्रेग्नेंट आदमी की कहानी में दिलचस्पी लेने लगा। सर्गे रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गया। वो इस बात पर जोरा से बहुत नाराज हुआ, क्योंकि वो इसे एक राज रखना चाहता था। सड़कों पर और बस में लोग उसे प्रेग्नेंट आदमी के नाम से पहचानने लगे। वो सर्गे को एक अलग प्राणी की तरह देखने लगे, जिससे उसका मन और उदास हो गया। उसने जोरा को इस बात के लिए खूब सुनाया, लेकिन जोरा को इस बात का कोई मलाल नहीं था, बल्कि वो तो कहने लगा कि उसके पास इससे भी बेहतर आइडियाज हैं, जो उन दोनों को करोड़पति बना देंगे। शुरू में तो सर्गे उस पर बहुत चिल्लाया कि वो अपनी प्रेगनेंसी को बेचना नहीं चाहता, अपने अजन्मे बच्चे का इस्तेमाल करके पैसे नहीं बनाने उसे। लेकिन शांत होने पर उसे पैसे इतने बुरे भी नहीं लग रहे थे। उस दिन के बाद उसने कई टीवी प्रोग्राम्स और शोज में प्रेग्नेंट आदमी बनकर जाना शुरू कर दिया। वो प्रेगनेंसी प्रोडक्ट्स की एड भी करने लगा। उसकी पॉपुलैरिटी कुछ ही हफ्तों में आसमान छूने लगी। वो जहां भी जाता, उसका मीडिया और कैमरा वाले पीछा करते, और अब तो उसके परिवार वालों के भी इंटरव्यू होने लगे थे। एक दिन जब वो रेस्टोरेंट में था, तो एक गे कपल उसके पास आया। वो जानना चाहते थे कि एक मर्द कैसे बच्चा पैदा कर सकता है। सर्गे को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो कैसे प्रेग्नेंट हुआ, लेकिन फिर भी वो उन्हें सलाह दे देता है कि रात को करते वक्त ऊन के जूते पहनना, ठीक है। अगली बार डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चला कि उनका एक बेटा होने वाला है। हम तो करते हैं ऊन के जूते। वहां से बाहर निकलते ही रिपोर्टर्स ने सर्गे को फिर से घेर लिया। उनके सवालों में वो इतना खो गया कि उसे खबर ही नहीं हुई कि डायना पीछे छूट गई। जब से वो मशहूर हुआ था, उसने पहले की तरह डायना को प्यार जताना लगभग बंद ही कर दिया था। इसके बाद सर्गे को खुद का एक शो भी मिल गया, जिसमें वो बाकी औरतों को बेहतर माँ बनने की सलाह दिया करता। जोरा ने भी शो से बहुत पैसे कमाए, लेकिन जितना ज्यादा काम सर्गे को मिलने लगा, उतना ही वो अपनी पत्नी और परिवार से दूर होता चला गया। एक एपिसोड के लिए सर्गे अपने पूरे परिवार को रेस्टोरेंट में लाकर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करने को कहता है, लेकिन गुस्से से भरी डायना कैमरामैन पर चिल्लाकर वहां से चली जाती है। जल्द ही बाकी सब भी चले गए और सर्गे काफी वक्त के बाद बिल्कुल अकेला रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने सफलता को अपने सर चढ़ा लिया है, लेकिन इससे पहले कि वो चीजें ठीक कर पाता, कुछ धार्मिक लोग उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। जब सर्गे को चारों ओर से नफरत मिलने लगी, तो एक दूसरी टीवी कंपनी ने उसके शो के खिलाफ धोखाधड़ी का केस कर दिया। उनका दावा था कि उसकी प्रेगनेंसी असली नहीं है और वो लोगों को धोखा देकर पैसे छाप रहा है। पहली सुनवाई में जोरा मुश्किल से ही एक दो शब्द बोल पाया था, जबकि विरोधी वकील की जबरदस्त आर्ग्यूमेंट्स सबको प्रभावित कर रही थी। उसने जज को सर्गे के बैंक खाते की डिटेल्स दिखाई, जिसमें उसकी प्रेगनेंसी के बाद हुए फायदे की पूरी जानकारी थी। घर पर डायना सर्गे को ये सब बंद करके फिर से एक आम जिंदगी जीने को कहती है, लेकिन सर्गे गुस्से में आकर उस पर चिल्ला दिया। दूसरी सुनवाई में जोरा सर्गे को जज के सामने लाया और उसका पेट सबको दिखाया। उसने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी सबूत के तौर पर पेश की। उसे गलत ठहराने के लिए विरोधी वकील सर्गे के गायनोकोलॉजिस्ट को कोर्ट में ले आई। वो तर्क देती है कि क्योंकि सर्गे उस डॉक्टर का पहला मरीज है, इसलिए इतने टेढ़े केस के लिए इस डॉक्टर का एक्सपीरियंस बहुत कम है। बल्कि उसने जज को एक और रिसर्च दिखाई, जिसमें काफी अनुभवी डॉक्टर्स ने कहा कि मर्द का प्रेग्नेंट होना बिल्कुल नामुमकिन है। लगता है उन डॉक्टर्स को ऊन के जूतों के बारे में नहीं पता। खैर, सुनवाई के आखिर में ऐसा लगता है मानो सर्गे इस केस को हार जाएगा। एक दिन एक इंटरव्यू के बाद जब सर्गे घर वापस आया, तो उसने देखा कि डायना घर छोड़कर जा चुकी थी। वो सुन्न पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो पिछले कुछ समय से डायना के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। डायना का विश्वास वापस पाने का एक ही तरीका था कि वो ये सब छोड़कर फिर से एक आम जिंदगी जिए। अगली सुनवाई में वो कोर्ट में नहीं गया। जोरा हड़बड़ा गया, लेकिन फिर भी सर्गे के एक महान माँ होने पर उसने दिल छूने वाला भाषण दिया। कोर्ट में लोग उसकी बात सुनकर खड़े होकर तालियां बजाने लगे।
लेकिन तभी जज को सर्गे की भेजी हुई एक वीडियो मिली। जोरा ने इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उसे कोर्ट में चलाने के लिए कहा, लेकिन वीडियो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सर्गे उसमें कहता है कि उसकी प्रेगनेंसी नकली है और इससे जिसको भी बुरा लगा उसके लिए वो माफी चाहता है। वो डायना से भी माफी मांगता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। उसका कबूलनामा सुनकर जज ने उसे अपराधी घोषित कर 10 लाख रूबल्स का जुर्माना लगा दिया। जो लोग उस पर विश्वास करते थे, उसके चाहने वाले, सब निराश हो गए। सर्गे डायना से उनकी पसंदीदा जगह पर मिला और एक बुरा पति होने के लिए उसने दिल से माफी मांगी। वो उसे माफ कर देती है, लेकिन तभी सर्गे को महसूस होता है कि शायद बच्चे की डिलीवरी का समय आ गया है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स उसकी सी सेक्शन डिलीवरी करने में कामयाब रहे। सर्गे पिछले कुछ महीनों के व्यवहार के लिए अपने पूरे परिवार से माफी मांगता है और कहता है कि उसने शोहरत की बजाय प्यार चुना है। इतने में डायना बच्चे को लेकर आई और पहली बार उसे सर्गे की बाहों में थमा दिया। हम देखते हैं कि 3 साल बाद डायना एक आर्ट एग्जीबिशन में अपनी खींची हुई तस्वीरें दिखा रही थी जो उसने सर्गे की प्रेगनेंसी के दौरान ली थी। उसका बेटा बड़ा हो चुका है जो कि जोरा की बेटियों के साथ खेल रहा है। कुछ महीनों बाद डायना ने उसी खिड़की पर खड़े होकर जुड़वा बच्चों के लिए दुआ मांगी। इस बार वहां 2 टूटते तारे दिखाई दिए। उसकी ये इच्छा पूरी हो गई जिससे वो और सर्गे एक ही वक्त पर प्रेग्नेंट हो गए। अब ऊन के जूतों के लिए 1 लाइक तो बनता है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए अनोखी फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपका इसमें सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था।